सब्जी देखो देखो चावल चावल बता गया ज्ञान विज्ञान का परिभाषा बता दीजिए। अब सातवीं में पढ़ती है ना, विज्ञान का ही परिभाषा हम कुछ नहीं पूछ रहे, आपको जो बोल रहे वही चीज बताइए। हमको भी कुछ नहीं आता है इसलिए थोड़ा सा जान ले, फॉर्मूला याद है, बताओ। सुनाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और बताओ कौन पढ़ाए हैं ए स्क्वायर प्लस, कौन सर स्कूल में? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हम देखिए आपको सामने एक स्कूल पर खड़े हैं, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरसाहापुर प्रखंड मोहद्दी नगर में है। और इस स्कूल पर अभी तकरीबन डेढ़ बजने को है, यहां पर समय डेढ़ बजने को है। और यहां पर देखिए अभी लंच का टाइम है, बच्चे खेल कूद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जब मैं इस जगह से यह वीडियो बना रहा हूँ, इस स्कूल पर एक भी टीचर नहीं है। एक शिक्षक जो यहाँ से प्रधानाचार्य हैं, वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो अभी इस मौके पर मौजूद हैं। लेकिन चलिए आइए पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं स्कूल के बारे में, या इससे पहले दिखा देते हैं आपको सड़क। इस हालात में देखिए किस हालात में यह विद्यालय चल रही है। यहाँ पर बच्चे को आने के लिए सड़कें नहीं हैं, ये सड़क पहला बात तो यहाँ पर देखिए एक भी सड़क नहीं है। यहाँ पर अगर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्योंकि नर्सरी से आठवीं तक का यहाँ पर पढ़ाई होता है और इस रास्ते से आना जाना होता है सवेरे, तो देखिए कितना एक दुर्गम रास्ता यह है कि अगर छोटे बच्चे आएँ तो उनके साथ दुर्घटना, क्योंकि छोटे छोटे जानवर भी इधर रहते हैं। चलिए अब चलते हैं, चूँकि ये तो हम आपको रास्ता का खबर दिखाएँ, अब दिखाते हैं इस विद्यालय की क्या स्थिति है, क्या बच्चे इस स्थिति में, यानी कि उनका देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव होगा कि इतना कचरा भरा है और कैसे वो पढ़ाई करते होंगे। पहले देख लीजिए भवन कैसा है इस विद्यालय का, टूटा है। अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो यहाँ पर देखिए सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरेगी। देखिए टूटा फूटा पड़ा है और यहाँ पर कभी भी दुर्घटना हो सकता है। और यह भी देखिए विद्यालय है, खैर विद्यालय का आप आम तौर पर आप जो विद्यालय देखते होंगे सरकारी विद्यालय का यही रवैया आपको दिखता नज़र आ जाएगा, टूटी फूटी। देखिए यहाँ पर अब थोड़ा इसका, चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो शौचालय बहुत ज़रूरी है कि विद्यालय में शौचालय होना लाजमी बनता है, कि शौचालय इतने सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो थोड़ा आइएगा इधर दिखाइएगा, देखिए ये है चापाकल, यहाँ का ये है चापाकल। अब देखिए ये है चापाकल, ये चापाकल ऐसे सूखा पड़ा है। और ये है बाथरूम, लिखा भी नाम है मोहद्दी नगर प्रखंड का यह बाथरूम है। अब थोड़ा इनको और दिखाइएगा, इधर बाथरूम दिखा दीजिएगा। और बाथरूम के अलावा थोड़ा और देखिए इधर अलग अलग बनाया गया है महिला के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग। यहाँ पर थोड़ा सा इनको करीब से दिखा दीजिए, लड़की के लिए अलग और लड़का के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण, यानी कि शौचालय में कोई कमी नहीं है। देखिए जहीं तहीं बच्चे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए मजबूरी है उनके सामने भी। और ये शौचालय इतना भरा है, यानी कि एक तरह से फंड निकासी किया जा रहा है सिर्फ। एक और देखिए यहाँ पर, यहाँ भी नल का व्यवस्था किया गया था लेकिन वो अब कहाँ गया, कहाँ पैसा जा रहा है, सिर्फ भवन यानी कि शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे हिसाब से कम यहाँ 6-7 शौचालय बना हुआ है, अगर गिन सकते हैं तो 6-7 शौचालय मिल जाएगा आपको यहाँ पर। लेकिन आपको हम तस्वीर दिखा रहे, वीडियो दिखा रहे कि क्या स्थिति है ये। चलिए आप चलते हैं और कुछ यहाँ पर ग्रामीण जो आए हैं उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि यह थोड़ा और सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जी आने वाले हैं 14 फरवरी को, मोहद्दी नगर प्रखंड में रहेंगे, दो जगह वो तीन जगह मोहद्दी नगर प्रखंड के। जो विद्यालय है इसके चारों तरफ देखिए खेत है, लेकिन अपना जमीन में अभी तक किसी प्रकार का बाउंड्री वॉल नहीं करवाया गया है विद्यालय के द्वारा। और छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, देखिए। और क्योंकि देहात का गांव का क्षेत्र है, यहां पर छोटे छोटे जानवर बोलते हैं, मिलते मिल जाते हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चों को एक बार दिखाइएगा, ये लोग हैं। और यहां पर देखिए चारों बगल आपको खेती हो रहा है, बड़े बड़े देखिए यहां पर तोरी लगा हुआ है, बड़ा हो गया, छोटे छोटे जानवर इसमें आ जाएंगे। और स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं।
अच्छा बीओ साहब को ये लेटर दिए हैं, देखिए लगभग यहाँ सैकड़ों है, 124-125 आदमी का यहाँ पर हस्ताक्षर है और उसके बावजूद अभी तक बीओ साहब यहाँ पर नहीं आए हैं। जी ना, क्या कह रहे हैं, क्या कहे थे आपको? कह रहे हैं जे कि देख लेंगे जा करके, हम टाल मटोल करते रहते हैं, कमीशन का पैसा उनको भी जाएगा तो ऐसे ही टाल मटोल करेंगे। यहाँ के भ्रष्ट शिक्षक से लेकर के भ्रष्ट शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी भ्रष्ट है। हम लोग यहाँ से FDM साहब के यहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार जी का 14 फरवरी को प्रोग्राम है, उनमें भी हम आवेदन देंगे उनको। अच्छा जी, देखिए हम आपको बताते चले कि देखिए हम अभी जो वीडियो आपको दिखा रहे थे वो खंडहर है, अभी यहाँ पर ये आवेदन दिखा रहे हैं कि देखिए हम 17 जनवरी को ये आवेदन दिए थे, उसके संज्ञान में अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो नंबर एक में देखा जाए मध्यान्ह भोजन का जो क्वालिटी है उसको चेक किया जाए, नंबर एक जी। नंबर दो, जो विद्यालय विकास मद की जो राशि आती है वो इन्होंने कहाँ खर्च किए, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए। और जो कुछ देख रहे हैं आप तो देखिए रहे हैं जी, यही कहना है। तो हम आपको लगातार वह वीडियो दिखाए हैं कि कैसे शौचालय बन गया, शौचालय की कमी नहीं है लेकिन एक भी शौचालय उपयोग में नहीं है। सर लगभग हम देखें वहाँ पर ना कम से कम तो 5-6-7 शौचालय हमको दिख गया लेकिन एक भी उपयोग में नहीं है, क्या कहेंगे? मैंने इनका पहले भी आकर मैंने एक बार बताया था कि शौचालय ठीक कराइए, पानी का व्यवस्था कीजिए, तो पानी अभी भीतर दिखाई दिया है लेकिन इसके पहले तो ऐसा ही है, इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्कूल का मर्जी से आना, मर्जी से जाना, मर्जी से छुट्टी कर देना, ये परंपरा इनका चल रहा है। अभी हम आए हैं लगभग तकरीबन या जब वीडियो बना रहे थे 1:30 बज रहा है और अभी तक बच्चे देखिए बाहर ही घूम रहे हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं और एक भी हमको टीचर नहीं मिले हैं। आज जो सेवा निर्मित हो रहे हैं प्रिंसिपल सर वो हैं आज इस मौके पर यहाँ पर, उनको विदाई के लिए जैसा कि हमको जानकारी हुआ कि कुछ सामान लाने के हैं जो टीचर हैं, सो एक या दो टीचर जाना चाहिए, तीन टीचर गए हैं सामान लाने के लिए, बाकी टीचर ट्रेनिंग में है तो कौन टीचर ट्रेनिंग में है वो तो हम जानकारी लेकर, आप स्थानीय हैं, ये जिस तरह की आज का स्थिति या हमेशा ऐसा रहता है? ये बरियाबा का ऐसी कभी ऐसा ही है, सब दिन ऐसा ही है, जैसे आप देख रहे वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं इसका। जी क्या बोल रहे हैं? हम कहते अपना मर्जी से आते हैं, अपना मर्जी से जाते हैं, बच्चा जहाँ तहाँ अपना बह भी है, कोई ध्यान ही मतलब नहीं है, कोई व्यवस्था बचना नहीं है, है? बच्चा का पढ़ाई लिखाई, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? हाँ, बच्चा तो सब गांव के है ना, पढ़ते हैं ना। आपका बच्चा है यहाँ पर? हाँ। आपका बच्चा भी पढ़ता है? हाँ। सर बच्चे आते हैं? हमारा बच्चा इसमें नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ाते गांव के? नहीं, हमारा बच्चा बाहर रहता है। अच्छा, बाहर रखा हुआ है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। चलिए, चूंकि और यहाँ पर हम कुछ बच्चों से थोड़ा सा सवाल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा सवाल के नाम पर ही बच्चे घबरा गए, यानी कि देखिए इनके पास टीचर के द्वारा वह मेंटेलिटी नहीं प्रदान किया गया, नहीं दिया गया, मेंटल इनको स्ट्रांग नहीं बनाया गया कि कोई आए तो कैसे उनका सवाल जो होगा उसका जवाब दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इस सरकारी विद्यालय में अगर उसको मेंटली अभी से प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, सोचिए यही बच्चा आगे जाएगा तो किस तरह से पढ़ाई करेगा। यहाँ पर आइए, छोटे नाम बाबू? कृष्णा कुमार। कृष्णा, कौन सी क्लास में हो? 8 में हो। 8 का स्पेलिंग बोलो तुम। फिर से बोलो, बोलो। छोड़, आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए आप, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोला ही नहीं बोलो। 8 का स्पेलिंग बोलो, कौन सी क्लास में तुम? 7th का स्पेलिंग? SEVENTH 7th। अच्छा 7। अच्छा कौन कौन से विषय हैं आपके, कौन कौन सा विषय पढ़ाई होता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, संस्कृत, हमारी दुनिया, अमृता। अच्छा सबसे अच्छा विषय कौन लगता है आपको पढ़ने में? मैथ, विज्ञान। मैथ और विज्ञान, विज्ञान का परिभाषा बता दीजिए। अब 7वीं में पढ़ती है ना, विज्ञान का ही परिभाषा, हम कुछ नहीं पूछ रहे, आपको जो बोल रहे वही चीज बताइए। हमको भी कुछ नहीं आता है इसलिए थोड़ा सा जान लेंगे, बताइए। आप 7वीं में हैं, विज्ञान आपको अच्छा लगता है, मैथ अच्छा लगता है, बताइए आपको विज्ञान की परिभाषा बताइए।
चले, थोड़ी सी घबरा गई बच्ची, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ रहे। अच्छा, कितने टीचर हैं आपके इस विद्यालय में, शिक्षक कितने हैं? हाँ, सर जी लोग कितने हैं? सर तीन है, मैडम दो है। रोज आती हैं पांचों? हाँ रोज आती हैं। रोज आती हैं, पढ़ाती हैं? हाँ पढ़ाती हैं। तब आपको कौन सर विज्ञान आपको पढ़ाते हैं? विज्ञान मैथ ना मैम पढ़ाती है। नाम क्या हुआ मैम का? जानवी सिंह। अच्छा, अभी कितना बजे से पढ़ाई होता है आपका? 10 बजे से। 10 बजे से कितने बजे तक? 10 बजे से 12। क्या बजे छुट्टी होता है स्कूल में? 2 बजे। 2 बजे स्कूल में छुट्टी हो जाता है, यानी कि अभी आप छुट्टी हो जाएगा? खाना खा के छुट्टी। खाना खाने के बाद रोज छुट्टी हो जाता है? चलिए, ये छोट अच्छा ठीक, ये छोटी बच्ची हैं जो यहाँ पर, गांव वाले लोग नहीं हैं और ना इन पर दबाव था, मैंने ऐसा ही पूछा किस क्लास में है, वही कौन सा विषय अच्छा लगता है, मैंने इस बच्ची से वही पूछा, ना मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, ना टीचर हूँ, ना मैं बता रहा हूँ। खुद इस बच्ची ने बताया कि यहाँ पर टिफिन के बाद 2 बजे छुट्टी हो जाता है, यानी कि सर से हमारी वही बात करेंगे थोड़ा सा और जानकारी लेंगे कितने बजे छुट्टी है, लेकिन इस बच्ची ने जो बताया कि 2 बजे छुट्टी हो जाता है, यानी टिफिन के खाना खाए और उसके बाद छुट्टी हो जाता है। तो शिक्षक, सर लोग कितने बजे आते हैं, लोग बच्ची से ही पूछ लेते हैं, सर कितने बजे आते हैं? 9 बजे। सर 9 बजे आते हैं, यानी कि आप लोग का प्रेयर और सफाई उफाई का काम होता है 9 से 10 के बीच, 10 से क्लास स्टार्ट होता है, यही ना? चलिए, यानी कि शिक्षक लोग आते हैं 9 बजे, इनका छुट्टी हो जाता है 2 बजे, पढ़ाई 10 बजे से स्टार्ट होता है। और डर खत्म बाबू, आप इधर आओ, अरे इधर आओ ना, हम क्या नाम है बोलो? स्वाति। स्वाति कुमारी किस क्लास में? सेवन। तुम भी सेवन में? तुमको कौन सा विषय अच्छा लगता है? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस, मैथ में कुछ आता है? आता है ना, क्या आता है? फॉर्मूला कुछ याद है मैथ का? कौन सा फॉर्मूला याद है बताओ? सुनाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और बताओ कौन पढ़ाए हैं ए स्क्वायर प्लस? कौन सर स्कूल में? स्कूल में कि बाहर पढ़ी है? स्कूल में भी, ट्यूशन में भी। स्कूल में भी है, ट्यूशन में भी। कहाँ से अच्छा, कौन सर जी अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल वाले की टीचर? दोनों सर अच्छा, दोनों सर अच्छा पढ़ाते हैं। और विज्ञान का बताओ, परिभाषा याद है? मैम नहीं पढ़ाई है परिभाषा। अब 7वां का परीक्षा दोगी ना, 8वां में जाओगी, अब 2 महीना बाद ना परीक्षा होगा, तब विज्ञान का नहीं पढ़ी है। चलिए, और यहाँ पर अच्छा, आप लोग खाना यहाँ पर खाती हैं? यहाँ जो भोजन बनता है आप खाती हैं, खाना खाती हैं? हाँ। कैसा लगता है खाना? ठीक लगता है। अरे बोलो, घबराने की क्या बात है, सब गाय के ना है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, चलिए हम आपको वो भोजन वाला, कैसा भोजन बनता है वो भी वीडियो दिखा देते हैं, कि किस तरह है कि भोजन बनता है। यहाँ पर गांव के लोग आए हुए थे और इनका काफी शिकायत है कि देखिए बच्चे को ठीक ढंग से, और बच्ची भी बताई है, हम चलते हैं भोजन के यहाँ जहाँ पर भोजन बन रहा है उसमें थोड़ा आकर हम आपको खबर दिखा देते हैं। चूंकि सर तो है नहीं इसलिए सर से बात हुई नहीं, अभी देखिए खाना बन गया, लेकिन हम कुछ वीडियो लिए थे वो हम आपको अब वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी तो खाना आप देखिए बर्तन उर्तन धुला रहा है, तो हम आपको जो वीडियो बनाए हैं जो आपको पहले दिखा देते, ये सब्जी है और हम आपको वीडियो एक बनाए स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ के लोग, कुरसाहा पूर्वी पंचायत है, यहाँ पर कुरसाहा के लोग इतने जागरूक हैं कि देखिए एक तो आवेदन दिया और सैकड़ों की संख्या में लोगों से दस्तखत करा करके, सैकड़ों की संख्या में लोगों से दस्तखत करा कर बीओ साहब को यहाँ पर जो प्रखंड के हैं उनको दिया और जागृत करने का काम किया कि देखिए हमारे विद्यालय में आइए और देखिए कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता ठीक से, भवन का निर्माण ठीक से नहीं है, किस तरह व्यवस्था है, एक बार आकर यहाँ पर जरूर देखें। जब अभी 13 दिन बीत जाने के बाद उनका संज्ञान नहीं हुआ तो मुझे कॉल किया गया कि आप आइए और दिखाइए इस खबर को कि देखिए किस तरह से, किस अवस्था में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो देश के भविष्य हैं बच्चे उनके साथ यह कैसे घिनौना मजाक किया जा रहा है। कहाँ पर देखिए एक बच्चे को बैठ कर खाने के लिए जगह नहीं है, आने के लिए रास्ता नहीं है, इसका व्यवस्था कौन करवाएगा? अभी समाधान यात्रा में नीतीश कुमार जी आएंगे तो क्या इस विद्यालय को देखने के लिए आएंगे नीतीश कुमार जी? ये सवाल है उनके लिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो को शेयर करते चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए।